भाई लोग कैसे हो? होप सभी आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है एनिमी न्यूज इंडिया के पार्ट 8 में। पर रुक जाओ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम चैनल पे नए हो और अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आता है तो नीचे देखो तुम्हें लाल रंग का एक सब्सक्राइब बॉक्स मिलेगा, उसको जितना जोर से हो सके दबा देना यार, क्योंकि हम लोग 400 सब्स के बहुत ही करीब हैं। तो भाइयों अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो हो गया प्रमोशन का बात, अब बिना किसी हाईलाइट के शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो न्यूज़ है वो है नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से। तो मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि नेटफ्लिक्स इंडिया जल्द ही डेथ नोट का हिंदी डब लाने वाला है, और रिसेंटली नेटफ्लिक्स इंडिया के YT चैनल पे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पे तन्मय भट्ट डेथ नोट एनिमे का रिएक्शन दिए थे। और मैंने शायद पार्ट 5 या फिर पार्ट 6 में इसके बारे में बोला था कि तन्मय भट्ट जल्द ही डेथ नोट के ऊपर लाइव रिएक्शन देने वाले हैं, और नेटफ्लिक्स इंडिया ने रिसेंटली तन्मय भट्ट का रिएक्शन वीडियो पोस्ट किया है। तो चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला न्यूज़ भी नेटफ्लिक्स इंडिया की तरफ से है। तो कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने कम्युनिटी टैब पे ये पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने सभी को इस लिस्ट के थ्रू अपना टॉप 5 एनिमी बोलने के लिए बोला था। तो जल्दी ही उनके कम्युनिटी टैब में जाके इस लिस्ट के अंदर अपना टॉप 5 का एनिमी कमेंट करके बोल देना। मुझे तो कोई भी एनिमी चलेगा यार, बस हिंदी डब होना चाहिए। और रुक जाओ, पहले वीडियो पूरा देख लो फिर कमेंट करने चले जाना। अगला जो न्यूज़ है वो है परमैन की तरफ से। इससे रिलेटेड एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि परमैन हंगामा टीवी पे चालू हो चुका है, और बुरी खबर है इसका टाइम टेबल। सच में यार, इसका टाइम टेबल देख के मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ। परमैन रात को 12 बजे से चालू होगा और सुबह 7 बजे तक चलेगा। अब मुझे बताओ कि रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक कौन देखेगा टीवी? पता नहीं उन्होंने ये टाइम टेबल क्यों बनाया। अगला जो न्यूज़ है वो है बेब्लेड ब्रस्ट राइस को लेके। तो बेब्लेड ब्रस्ट राइस डिज्नी एसटी एशिया पे चालू हो चुका है, और ये एनिमी डिज्नी एसटी इंडिया पे आएगा कि नहीं इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। पर फिलहाल बेब्लेड ब्रस्ट राइस एशिया पे ईयर होना चालू हो चुका है। जानता हूँ ये बुरा न्यूज़ है, पर अपडेट था इसीलिए दे दिया। अगला जो न्यूज़ है वो है हागेमारू, बेब्लेड मेटल फ्यूजन और मार्वल के एनिमे से रिलेटेड। तो इन एनिमेस का डबिंग रोक दिया गया है कोविड-19 की वजह से, और शायद सब कुछ ठीक होने के बाद ही इनका डबिंग फिर से चालू होगा। तो अगला जो न्यूज़ है वो है एनिमेस चैनल की तरफ से। तो मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि सोनी ने एनिमेस चैनल को बेच दिया है, और फिलहाल फिर से एक नया पेटिशन चालू हो चुका है एनिमेस को सोनी लिप में वापस लाने का। तो उस पेटिशन को साइन जरूर कर देना। और आज का जो फाइनल अपडेट है वो है पोकेमॉन सीजन 11 से रिलेटेड। तो तुम सभी को पता ही है कि हंगामा टीवी ने पहले पोकेमॉन सीजन 11 चालू कर दिया था और उसको बंद कर दिया, और फिलहाल फिर से उसको चालू कर दिया गया है। इसका टाइम टेबल है मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। और थैंक्स टू आरजे एनिमी इंडिया, अल्टीमेट हगाई, एचटी यूनिवर्स एंड एनिमी असेंबल, इन्होंने ही ब्रिंग बैक पोकेमॉन का पेटिशन चालू किया था। एंड बिग थैंक्स टू ऑल ऑडियंस जिन्होंने भी ये पेटिशन साइन किया था। तो यही था एनिमे से रिलेटेड कुछ न्यूज़। अब मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सा न्यूज़ सबसे अच्छा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो यही था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।